So you like this look, tell me in the comment section, because this is clean girl aesthetic. मैंने पहली बार try करा है, but although I just loved it, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा messed up नहीं है, and I have also recorded the makeup look जो मेरे Instagram और जो मेरे shorts पे आएगा, so you can check them out. And yeah, आज का look मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये look मुझे summer fresh vibe दे रहा है, पता नहीं क्यों. So yeah, you can tell me in the comment section अगर आपको ये पसंद आया हो. And we have some really cool stuff from Amazon. मैंने इस बार footwear purchase करे हैं, and also मैंने एक shoes भी purchase करे हैं. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो. इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये लाइन मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ. अगर आप एक्चुअल में अंश के विंग्स का पार्ट है, सो यू मस्ट बी नोइंग कि मैं हील्स की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ. मुझे वेजेस, स्नीकर्स प्लस जो कंफर्टेबल फुटवेयर होते हैं ना, वो ज्यादा पसंद आते हैं. सो द वेरी फर्स्ट जो मेरे पास ब्रांड है, मार्क लोरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. दीज आर द ब्लैक वेजेस जो मैंने इस बार परचेज करी है. मुझे यूजुअली ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं वेजेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ एज कम्पेयर टू हील्स. सो ये वाले वेजेस मैंने इस बार परचेज करे हैं, ब्लैक कलर. द साइज इज 5, दैट इज 37. आप साइज चेक कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर जाके. मैंने ऐसे ही चेक करा था मेरा साइज. मैं पहले ऑफलाइन स्टोर गई थी, वहां पे मैंने साइज देखा, उसके बाद मैंने ऑनलाइन परचेज करा था. मेरा साइज है 5 और इसका जो प्राइस है दैट इज 895 के अकॉर्डिंग द क्वालिटी इज वेरी गुड. इसका जो मटेरियल है वो है कुछ पॉली यूरिथीन समथिंग, एंड दीज आर सुपर कंफर्टेबल, वाटर रेजिस्टेंट है. बट मैंने इस ब्रांड से पर्टिकुलरली पहले भी शॉपिंग करी, और इनका प्लस पॉइंट यही है कि ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगी है. मैंने इसके पहले जो फुटवेयर हॉल आपके साथ शेयर करा था, उसमें भी मैंने सेम ब्रांड से एक हील परचेज करी थी, जो आई गेस सभी लोगों ने मुझसे पूछी थी कि वो हील कहाँ से है. वो वेजेस पर्टिकुलरली मैंने अमेजोन से परचेज करे थे, और वो भी कुछ 600-700 की रेंज में. सो दिस वन इज फॉर 895, बट सेल में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सो यू कैन इजिली गो एंड चेक दिस आउट. अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड मेरे पास एक और है. दीज आर स्पेसिफिकली फॉर लाइक पार्टी वेयर और ओकेजन टाइप ऑफ अ ही. ये है ऑफ वाइट शेड में. द प्लस पॉइंट आई वुड से इज ऑफ कोर्स द बॉटम पार्ट, जो इसका वेज वाला पार्ट है. बहुत ही सुंदर स्पार्कल और लाइक शाइनिंग फैब्रिक उसमें एड है, एज यू कैन सी. और इसमें डिजाइन भी बनी हुई है, लाइक वो प्लेन वेजेस नहीं है. ये फ्रंट सेक्शन में आपको क्रॉस मिलता है, और यहाँ पे भी आपको मतलब एक बेल्ट अप ही मिलेगा. सो इट्स वेरी प्रिटी. आई कम्प्लीटली लव द डिजाइन, जो इसका ओवरऑल डिजाइन आया है. इसमें आपको कलर शेड्स मिल जाएंगे. देयर इज वन मोर कलर अवेलेबल, दैट इज पीच, एंड द प्राइस रेंज इज 1200, बट अगेन डिस्काउंट में आपको और अच्छा मिल जाएगा. अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड्रेस हियर इज दैट आपको इसमें बकल फॉर्मेट मिलता है. ये ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो ब्लैक वाली मैंने आपको बताई, बिकॉज ब्लैक वाले में यहाँ पे इलास्टिक है. तो ये इलास्टिक एक टाइम के बाद लूज हो जाती है, बिकॉज जो मेरी लास्ट हील थी उसमें ये इलास्टिक वाला फॉर्मेट था और वो मुझे लूज हो गई थी. बट अगेन इसमें ये बकल है. दीज आर प्रिटी गुड. इन्हें पहनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतारने में टाइम लगता है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन परस्पेक्टिव, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो देन जस्ट गो विद दिस वन, ये आपकी ज्यादा चलेंगी. थर्ड वन जो मैंने परचेज करी है इज इन द बेज शेड एंड लाइक ब्राउन एस्थेटिक्स में, एंड यू नो कि मुझे बेज और ब्राउन के एस्थेटिक्स कितने ज्यादा पसंद है. और ये मैंने इसलिए परचेज करी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैवल पर्पस, बिकॉज वो वाली जो हील्स है वो थोड़ी पार्टी वेयर फॉर्मेट में थी. द ब्लैक वन इज गुड, वो मैं पहन सकती हूँ, बट अगेन दिस वन इज लाइक जो मुझे एक बार में पसंद आ गई थी. एंड इसका जो ब्रांड था इज आई गेस मोज़ेक समथिंग. इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल था, दैट इज 648 रुपीज, एंड द साइज अगेन 5, दैट इज 37. इसमें आप देखेंगे मल्टीपल ये स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, एंड द कलर इज वेरी प्रिटी. सेक्शन जो पीछे आपको मिलता है इज ऑफ कोर्स बकल सेक्शन, बट अगेन ये जो चिप चैट वाला सेक्शन रहता है ना, ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस इस टाइप के, मतलब बकल मुझे पसंद नहीं. जो मैंने इसके पहले वाला बकल आपको दिखाया ना, वो ज्यादा बेटर रहते हैं. इसका भी ये एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, क्योंकि बार बार हम इसे निकालते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, इसलिए वो एक टाइम के बाद खराब हो जाता है. ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, बट अगेन अगर आपको ये कभी कभी के लिए चाहिए देन इट्स अ वेरी गुड परचेज. अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, और मुझे वेजेस में और भी ऑप्शन चाहिए थे मेरे वॉर्डरोब में, तो इसलिए मैंने इसे परचेज करा. इन सेल इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये कलर पसंद आया या नहीं, बिकॉज यू कैन एक्चुअली फाइंड मल्टीपल कलर्स इन दिस. इसमें ब्लैक भी है और पीच भी है एंड प्लस ब्राउन, तो मुझे ब्राउन पसंद था इसलिए मैंने ब्राउन लिया. इसके बाद मैंने डेली वेयर के लिए लिया है, दैट इज फ्रॉम जेंस, आई गेस जेंस जेएम लुक्स करके एक ब्रांड मुझे मिला था. इनसे मैंने लास्ट टाइम परचेज करा था, एंड ये मैंने नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए फ्लैट्स परचेज करे थे, क्योंकि मुझे इनका ये वाला डिजाइन बहुत पसंद आया था. इसमें ये बटन्स लगे हुए हैं, एज यू कैन सी एक साइड बटन है, एक साइड प्लेन है, एंड इसका जो कलर है वो भी थोड़ा ब्रिक कलर फॉर्मेट में है. आई रियली लाइक इट.
लेट्स सी द प्राइस रेंज, आई गेस ये 500 कुछ का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस इज 5 UK और ये है अभी 549 का, मैंने शायद से 499 में लिया था बिकॉज मैंने सेल में लिया था, इसमें दो कलर्स और अवेलेबल है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, बट अगेन मुझे ये ब्रिक और जो ब्राउन के एस्थेटिक्स है ना वो ज्यादा पसंद है, एंड दिस इज प्रीटी कम्फर्टेबल, सो या यू कैन एब्सोल्युटली गो विद दिस। ये है इसका दूसरा पीस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये थोड़ा सा समर वाइब के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड परचेज, नो डाउट। 500 रुपए में आपको घर बैठे बैठे में मिल रही है। आई फील्स लाइक मुझे ऑफलाइन शॉपिंग में अब उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है बिकॉज मैं ऑनलाइन ज्यादा परचेज करती हूँ, यू गाइस नो दिस थिंग, तो इसलिए आपको ऑनलाइन में मैं अच्छे अच्छे पीस रेकमेंड कर रही हूँ, जस्ट गो एंड शॉप देयर। नाउ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इज दैट कि मैंने फर्स्ट टाइम प्यूमा के शूज लिए, दैट टू फ्रॉम अमेज़न, द फुल नेम इज प्यूमा वुमेन्स कैशियर रोज स्नीकर्स, सो दिस इज द बॉक्स दैट आई हैव रिसीव्ड एंड दीज आर माई फर्स्ट प्यूमा शूज, ऑब्वियसली स्पेशल है, नाइकी का भी एक मेरे पास अवेलेबल है, सो या आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक गर्ल, बट शूज आर समथिंग जिसमें आप इन्वेस्ट करो बिकॉज शूज हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। मैं फुटवेयर में हमेशा लग्जूरियस ब्रांड्स में नहीं जाती हूँ बिकॉज वहां पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिलते हैं, अफोर्डेबल में भी कम्फर्ट मिल जाता है, बट शूज में नहीं मिलता है। मैंने ये 300, 400, 500, 1000, 1200 तक, 1500 तक, 2000 तक के जूते खरीदे बट उसमें मुझे कम्फर्ट नहीं मिला है, इसलिए मैंने सोचा लेट्स गो विद द ओरिजिनल वन दिस टाइम, दीज आर माई फर्स्ट प्यूमा शूज एंड Just check them out. Like, अलग फील आता है, literally अलग फील आता है. And जब मैं ये बोल रही हूँ कि अलग फील आता है, that means अलग फील आ रहा है. So these are the pretty shoes. इसमें plain white का option भी available था, but मैंने ये grey और blue aesthetic का choose करा है. It's looking so good. This is the other one. And yeah, can you guys see? And the price range is 3,868 rupees. ये आपको discount में, like जब भी sale लगे ना तब आप check करते रहना. बिकॉज सेल में थोड़े बहुत सस्ते होते हैं एंड ऑफकोर्स मैंने इन्हें पहन के देखा है, मैं गई थी बाहर, मैंने पहन के देखा जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप लग्जूरियस ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वर्थ इट है कि नहीं है, एंड एब्सोल्युटली वर्थ इट। मैं और अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, सो मेक श्योर टू फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे छोटे छोटे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, जब भी मैंने नेक्स्ट टाइम पहनूंगी उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो इफ यू गाइज आर इन टू लग्जूरियस ब्रांड्स, तो फिर अगर आपको ऐसे और हॉल चाहिए ना जहाँ पर मैं आपके साथ लग्जूरियस शूज या फिर स्नीकर्स शेयर करूँ तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी बिकॉज शूज एंड स्नीकर्स आर समथिंग जो मैं आपसे बोलूंगी कि आप इन्वेस्ट करो। वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि हम स्नीकर्स में बार बार पैसा लगाएं या शूज में बार बार पैसा लगाएं, जस्ट दैट कि हम एक बार पैसा लगाते हैं, हम अच्छे से लगाते हैं। नाउ आई नो दिस कि मेरा बहुत आराम से 5-6 साल चलने वाला है, एंड आई एम फ्रॉम दैट कम्युनिटी जो बार बार इन्वेस्ट नहीं करता, अगर मेरे पास एक है तो फिर मैं एक ही पहनूंगी, दैट्स इट। So guys, that's it for today. I hope you enjoy my today's video. Also, tell me in the comment section कि अगर आप luxurious brands के और ऐसे haul देखना चाहते हैं, because I'm not a big fan of luxurious brands. और Amazon पे आपको luxurious mid low सारे brands मिलते हैं. So you can tell me your preferences कि आपको क्या देखना पसंद है, जिससे मैं जब भी next time कुछ purchase करूँगा तो मेरे mind में एक idea रहेगा कि हाँ, this is my audience, ये वो पसंद करती है, and now I can buy this. And yeah, that's it for today. I'll see you guys next time. Till then, thanks.